जिले के पहले साइबर थाना का उद्घाटन। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर जिले का पहला साइबर थाना तैयार। लहरासराय थाना पर शुक्रवार को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा अवकाश कुमार के द्वारा फीता काटकर थाना परिसर में बने जिले का पहला साइबर थाना का उद्घाटन किया गया। मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा, मुख्यालय DSP इमरान अहमद, सदर DSP अमित कुमार एवं लहरासराय थाना अध्यक्ष कुमार कृति सहित विभिन्न पुलिस पदाधिकारी व कर्मी एवं महिला थाना कर्मीगण मौजूद रहे। दरभंगा साइबर थाना के कर्मियों में डॉक्टर कुमार, सुमित राज कपूर, कुशवाहा संतोष कुमार, आराधना कुमारी, राहुल कुमार, अजीत कुमार, विजय कुमार चौधरी जिले के पहले साइबर थाना के पदाधिकारी व कर्मी होंगे, जिनकी देखरेख में यहां साइबर अपराध से जुड़े कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा, जिले का यह पहला सागर थाना खुला है, आज 9 जून से यह कार्य करना शुरू कर देगा। साइबर अपराध एवं साइबर अपराध से जुड़े मामले हो या फिर सोशल मीडिया धोखाधड़ी के मामले के यहां आकर केस दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया, जिस तरह से पहले से महिला थाना और SC/ST का थाना कार्यरत है, उसकी तरह से अब जिले का पहला साइबर थाना का लाभ लोग उठा सकेंगे। आज बिहार में सभी पुलिस जिलों में साइबर थानों का संचालन प्रारंभ हो रहा है। सरकार की अधिसूचना के पश्चात आज 9 जून से दरभंगा में भी साइबर थाना सुचारू रूप से काम करेगा। जिले में कहीं भी किसी को भी साइबर फ्रॉड से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी केस दर्ज कराना हो तो ये सिंगल स्टॉप है, यहाँ पे लोग केस दर्ज करा सकते हैं। जैसे महिला थाना है, SC/ST एट्रोसिटी के लिए थाना है अलग से, इसी तरह साइबर केसेस के लिए ये अलग से थाना आज प्रारंभ किया जा रहा है। अभी SDPO बेनीपुर यहाँ पर थानाध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त चार्ज में रहेंगे और उनके साथ उनकी टीम रहेगी जो अनुसंधान कार्य करेगी। तो हमें उम्मीद है कि लोग इसका लाभ उठाएंगे। कहीं भी अपने लोकल थाना में केस कर ही सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि यहाँ केस करना तो यहाँ आकर वो साइबर केसेस दर्ज करा सकते हैं। सर, तो क्या लोकल थाना में करने से वो केस यहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लोकल थाना के जो अधिकार है वो तो है, यथावत है, लेकिन यहाँ पर केस करने के लोग आ सकते हैं। जैसे महिला थाना में केसेस लोग करते हैं और पेरेंट थाने में भी केस करते ही हैं, तो वैसे ही इसमें भी लोग अपने थाने में भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। कितने फोर्स और कितने गाड़ी इसमें डिप्यूट की गई है? देखिए, अभी वर्तमान में एक DSP हैं, एक इंस्पेक्टर हैं जो कि अनुसंधान करता रहेंगे और उनके सपोर्ट के लिए अभी सब इंस्पेक्टर्स चार दिए गए हैं। बाकी जो हमारी साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट में जितने भी कर्मी थे, जो भी संसाधन थे, वो सारा कुछ इसमें यूज़ हो रहा है। इसके अतिरिक्त दो वाहन ड्राइवर सहित और फोर्स जो थाना चलाने के लिए फोर्स होता है वो भी इसको दिया। सर, ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने की कोई सुविधा है क्या साइबर? ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, वो पहले से है। ऑनलाइन में यही दिक्कत है, पहले वादी से एक बार कन्फर्म होना पड़ता है लोगों को, तो ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं उसमें। सर, रिजल्ट कितना मिलेगा? तो थाना खुल जाना कमाल नहीं है, देखिए आने वाला समय बताएगा। हम तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, बट उम्मीद है कि अच्छा काम होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।